Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter Feathered Friend, written by author C. clark from New Pathways Book of Standard 8. So, dear student, in the previous part of the video, we have read how uh, the author was a narrator who कैसे स्वेन ऑल्सन के बारे में बात कर रहा था अबाउट हिज फिगर उसका जेस्चर कैसा था एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हिज यू नो लाइक जॉब नेचर किस वजह से उसको वहाँ पर रखा गया था एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द गेस्ट विच ही ब्राउट एक uh, जो उसने गेस्ट अपने साथ में लाया था दैट वॉज क्लैडिवेल उसके बारे में बात किया इन स्टार्टिंग ही सेट कि वो उसका था इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया बाद में क्लैडिवेल uh, जो है एक कॉमन uh, मतलब ओनरशिप uh, उसका हो गया सारे लोग उसको अपना मानने लगे एंड नायरेटर uh, ये भी बताते हैं कि कैसे जब uh, कोई वी आई पीज अर्थ से आई मीन स्पेस स्टेशन में उस स्पेस क्राफ्ट में आते थे तो उसको छिपाया जाता था राइट right. तो ये सारी चीज़ें जो है ऑथर uh, बता चुके हैं नाउ वी हैव फिनिश्ड टिलयर हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर वी वर्ड सो वी वर नाउ ऑन ट्वेल्व आ वॉचिज विच वॉज नॉट एज बैड एज इट साउंड्स अब वो लोग बारह बारह घंटे के उस शिफ्ट में काम कर रहे थे और ये उतना खराब नहीं था जितना सुनने में लग रहा था राइट सेंस यू नीड लिटल स्लिप इन स्पेस चूँकि आपको स्पेस में जो है बहुत ज़्यादा सोने का मौका मिलता नहीं है दो ऑफकोर्स देर इज़ नो डे एंड लाइट डे एंड नाइट वेन यू आर फ्लोटिंग इन परमानेंट सन लाइट और ऑथर साथ में ये भी बोलते हैं कि चूँकि वहाँ पे स्पेस में जो है दिन और रात तो होता नहीं है क्योंकि वो जिस स्पेस क्राफ्ट में फ्लोट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो है लाइट जलता रहता है एक परमानेंट लाइट जलता जलता रहता है उसको वो परमानेंट सनलाइट बोल रहे हैं तो उससे पता नहीं चलता कि कब रात हो रहा है कब दिन हो रहा है इट वॉज स्टिल कन्वीनियंट टू स्टिक टू द टर्म्स और उनके लिए जरूरी था कि जो भी टर्म्स है रूल रेगुलेशन है उसके साथ में वो मतलब बने रहें नाउ सर्टेनली वेन आई वोक दैट मॉर्निंग इट फेल्ट लाइक सिक्स एम ऑन अर्थ नाउ इन दिस लाइन नरेटर सेज कि जब अचानक से उस दिन वो जगे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि लगता है अर्थ पे छः बजे सुबह का टाइम हो रहा है आई हैड अगिंग हेडक एंड वॉज मेमोरी ऑफ फिट फोल्ड डिस्टर्ब ड्रीम्स उनके सर में जो है थोड़ा एक नो दर्द सा बना हुआ था जैसे मोर ओवर यू पीपल आर ऑल्सो हैविंग इफ यूल है लिटल स्लिप तो आपके सर में थोड़ा बहुत हैडक हो जाता है दर्द हो जाता है उसी तरीके का उनको फील हो रहा था साथ ही साथ उनको थोड़ा सा डरावने और कुछ परेशान करने वाले सपने उन्होंने देखा था उसके बारे में सोच करके और भी दिक्कत पैदा हो रहा था इट Breakfast ब्रेकफास्ट वॉज quiet क्वाइट एंड देर वन सीट बैक नाव उसको नरेटर को ऐसा फील होता है उनको कि uh, ऐसे uh, लगता है मानो बहुत uh, साल गुजर गए हो बहुत सारा एज पास हो गया हो एंड ही वॉज ट्राइंग टू एक्चुअली रिकॉल आई मीन अंडू करना चाह रहे थे वो जो भी बंक स्ट्रैप्स था उसको बट ही फेल्ट वेरी बैड एंड ही सेज कि वो उनको अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो आधे नींद में और आधे जगे हुए हैं जब वो उन्होंने अपने क्र्यू uh, मेंबर को ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ पे जो ड्यूटी लगती थी लोगों की आई मीन रोटेशन वाइज पे लग, लगा करती थी एंड हिज ड्यूटी वॉज इन देस तो जब वो मेस में गए तो उन्होंने देखा कि ब्रेकफास्ट जो है लाइक uh, uh, like, uh, वहाँ पे अनयली क्वाइट चल रहा था और एक सीट जो है वहाँ पे वैकेंट था बैठने का वेरी स्वेन आई आस्ट नॉट वेरी मच केयरिंग और uh, वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा एक स्वेन कहाँ गया बट uh, उन्होंने ये uh, उसको केयर नहीं करते हुए पूछा बस जानकारी के लिए पूछा इज लुकिंग फॉर क्लैरिबेल समवन आंसर तो किसी ने जवाब दिया उनको कि वो क्लैरिबेल क्लैरिबेल को ढूंढ रहा है सेज ही कांट फाइंड हर एनीवेयर शी यूजुअली बेक्स हिम अप और साथ ही साथ वो बोलता है कि लुक वो उसको आई I मीन mean, स्वेन को क्लैरिबेल मिल नहीं रही है और ज्यादातर ऐसा देखा गया कि क्लैरिबेल ही जो है उसको जगाती है बट आज उसको मिल नहीं रही है तो उसको ढूंढ रहा है बिफोर आई कुड रिटॉट दैट शी इजली बुक मी अप टू स्वेन केम इन थ्रू द डोर वे और जब तक वो इस बात को रिकॉल करते मतलब कि स्वेन को तो वो जगाती ही थी साथ ही साथ ऑथर को भी नरेटर को भी वो आके जगाती थी इसी बीच इसी दरम्यान जो है दरवाजे से वो स्वेन आ जाता है एंड वी वुड सी एट वंस डैट समथिंग वॉज रॉन्ग और फिर उनको ऐसा देखने को मिलता कि कुछ तो गलत हुआ था वहाँ पर ही स्लोली ओपेंड हिज हैंड एंड देर इज़ अ ले ऑफ़ टाइनी बंडल ऑफ एलोफेदर्स और आ, उसके चेहरे को देख करके ऐसा जब महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है जब उसने आ, स्वेन ने अपना पूरा ये फीसट खोला मुठ्ठी खोला हैंड खोला धीरे धीरे खोला तो उसने देखा कि वो एक आ, मतलब पीले पीले फेदर्स जो पंख थे उसके उसके हाथों में उसका एक बंडल बना हुआ था विथ टू क्लिंच क्लॉज स्टिकिंग पैथेटिकली अप इन द एयर और उसके पंजे भी जो जो है उस मतलब uh, उसके हाथ में था बिल्कुल हैंग कर रहा था इट वॉज सो आई मीन कह सकते हैं कि वेरी पिटिफुल टाइम काफ़ी दुखदाई समय था वट हैपेंड तो नैरेटर जो है उससे पूछते हैं क्या हुआ वी आस्ट एवरी वन आस्ट फ्रॉम सारे लोग जो वहाँ पे थे स्वेन से पूछते हैं और सारे लोग परेशान भी दिखते हैं ऑल इक्वली डिस्ट्रेस्ड आई डोंट नो सेट स्वेन मॉर्नफुली और वो आई मीन यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वो अपने पंजों में दिखा रहा है तो उसने दुख व्यक्त करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ आई जस्ट फाउंड हर लाइक दिस मुझे बस ये क्लैरिबल इस स्थिति में इस ऐसे मिली है लेट्स हैव अ लुक एट हर सेट जॉक डंकन तो जॉक डंकन जो वहाँ पे एक कुक डॉक्टर डाइटिशियन जो भी बोल लीजिए उन लोगों का खाना बनाता था उसने बोला कि चलो देखते हैं इसको हुआ क्या है एग्जैक्टली वी ऑल वेटेड इन हर्स्ट साइलेंस वाइल ही हेल्ड क्लैरिबल अगेंस्ट हिज़ ईर इन अटैम्प्ट टू डिटेक्ट एनी हार्ट बीट सारे लोग जो है काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे बिल्कुल शांति से कि शायद उसके अंदर में थोड़ा जान बचा हो तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने उसको अपने ईयर के पास में लगाया ताकि कोई हार्ट बीट अगर चल रहा हो तो उनको एहसास हो जाए कि हाँ इसको इसको बचाया जा सकता है इसकी जान बचाई जा सकती है प्रजेंटली हि हिज़ हेड आई कॉन्ट हीयर एनी थिंग बट दैट डज नॉट प्रूव शी इज डेड तो वो बोलता है डॉक्टर डायट्रिशियन जो भी कुक जॉक टंकन था वो बोलता है कि मुझे तो अभी फिलहाल कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा है अपना सर हिलाते हुए बोलता है आ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब साबित होता है कि वो मर चुकी है आई हैव नेवर लिसन टू अ कैनरीज हर्ट ही एडेड रेदर अपोलोजिटिकली और उसने अपोलॉजी करते हुए मतलब जब उसने बोला कि आ, हार्ट बीट मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा तो सारे लोगों को लगा कि मर गया मर गई है क्लैरिबेल तो उसने फिर अब इस बात का एहसास किया कि कैनरी का जो है ये हार्ट बीट मतलब उसने सुना नहीं है कभी तो उसको आइडिया नहीं है कि वो सच में कैनरी का हार्ट बीट मतलब चल रहा है या नहीं चल रहा तो उसने अपोलोजिटिकली वे में बोला कि आ, हो सकता है कि आई I मीन mean, बची हो गिवर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन सजेस्टेड सम्बडी पॉइंटिंग टू द ग्रीन बैंडेड इमरजेंसी सिलेंडर इन द इन इट्स रेसिस बिसाइड द डोर उन लोगों में से एक किसी एक ने बोला कि चलो उसको एक ऑक्सीजन का शॉट दिया जाए शॉट दिया जाए मतलब उसको ऑक्सीजन का मास्क लगाया जाए और उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए ताकि पता चले अगर थोड़ा बहुत जान बचा हो तो वो आई मीन बच सकती है उन लोगों ने वहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ था डोर के पास में रिसिस डोर के पास में तो उस सिलेंडर को ला करके और ऑक्सीजन देने की बात कही एवरी वन अग्रीड दैट दिस वॉज एन एक्सेलेंट आइडिया सारे लोग अग्री करते हैं सहमत होते हैं कि काफ़ी अच्छा आइडिया इसको करके देखते हैं शायद क्लरीवेल जो है बच जाए एंड क्लरीवेल वॉज tucked स्नगली into अ फेस मास्क दैट वॉज लार्ज इनफ टू सर्व एज अ कम्प्लीट ऑक्सीजन टेंट फॉर हर और जो ऑक्सीजन मास्क था उसके लिए एक बड़ा सा वो यू नो यू कैन इमेजिन हाउ इफ समबड़ी हैज़ निमोनिया यू नो ठंड में कैसे स्टीम का यू यू नो आर टेकिंग स्टीम तो मुंह में मास्क लगाया जाता है उस तरीके से उसको लगाया गया और उसके शरीर के लिए मुकाबले काफी टेंट जैसा उसको लग रहा था टू डिलाइटेड सरप्राइज शी रिवाइव एट वंस बीमिंग ब्रॉडली स्वेन रिमूव्ड द मास्क एंड शी हॉप्ड ऑन टू हिज फिंगर अब जब उसको वो मास्क लगाया गया ऑक्सीजन वाला तो वो काफ़ी प्रसन्नता हुई सारे लोगों को कि ये देख करके कि उसके अंदर में थोड़ा बहुत हलचल होने लगा वो रिवाइव कर गई है एक बार को लगा कि रिवाइव कर गई है उसके बाद वो जो है क्लैरिबेल स्वैन के हाथ पे जो है मतलब स्वेन ने उसका मास्क हटाया क्लैरिबेल उसके हाथ पे फिंगर्स पे हॉप करने लगी उछलने लगी शी गेव हर सीरीज ऑफ कम टू द कुक हाउस बॉयज ट्रिल्स देन प्रॉम्पर्ली कील्ड ओवर अगेन और उसने uh, कुछ ऐसे इशारे किए जिससे ऐसा लगा कि मैं वापस आ गई हूँ कुक हाउस में आ गई हूँ एंड सी से लाइक वेकअप और फिर उसके बाद वो अगेन नीचे जो है धड़ाम से गिर जाती है आई डोंट गेट इट लेमेंटेड स्वेन वट वॉज रॉन्ग बिथर शी इज नेवर डन दिस बिफोर जस्ट वन सेकेंड गाइस नावियर जो स्वेन है वो बोलता है वो लेमेंटेड uh, मीन्स बिलाप करते हुए रोते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया ये इसके स, क्या मतलब ये कर क्या रही है वट वट वॉज रॉन्ग बिथर इसके साथ क्या बुरा हो रहा है उसने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं किया फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स समथिंग हैड बिन टगिंग एट माई मेमोरी नाइ रेटर सेज कि अब कुछ uh, अंतिम uh, क्षणों में जो है उसके दिमाग में कुछ उसके याददाश्त में कुछ ऐसा चल रहा था माय माइंड सिम टू बी वेरी स्लगिश दैट मॉर्निंग क्योंकि सुबह सुबह उसके दिमाग में कुछ डरावने तो और भय पैदा करने वाले चीज आ रहे थे एज इफ़ आई विल आई वाज स्टिल अनेबल टू कास्ट ऑफ द बर्डन ऑफ स्लीप क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको सोने का जो मतलब यू नो एक नशा सा चढ़ा हुआ था वो अभी भी उसके दिमाग से उतर नहीं रहा है आई फील दैट आई कोड डू विथ समजन और नैरेटर को ऐसा लगता है कि वो भी कुछ ऑक्सीजन लगा कर के मास्क खुद को आई मीन रिलैक्स कर सकता बट बिफोर आई कोड रीच द मास्क अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोडेड इन माई ब्रेन और जब तक वो उस मास्क तक पहुँचता तभी उसके दिमाग में जो है एक अंडरस्टैंडिंग मतलब यू कैन से एक एक चीज़ जो है आ, समझदारी जो है वो आ जाती है एंड दैट इज़ आई विल्ड ऑन द ड्यूटी इंजीनियर एंसर अर्जेंटली वो जल्दी से मुड़ता है और ड्यूटी इंजीनियर की तरफ और उसको बोलता है जिम दे इज समथिंग रॉन्ग विद दर जिम वो जिम को बोलता है जिम देखो बाहर में कुछ तो ग, मतलब खराब है हवा में शायद कुछ खराब है दैट इज़ वाई क्लैरिबेल पास्ड आउट और इसी के कारण से जो है क्लैरिबेल मर गई आई हस्ट रिमेंबर्ड दैट माइनर यूज टू कैरी कैनरीज डाउन टू वॉर्म वर्न दे ऑफ गैस और वो उसको बाद में याद आता है कि थोड़ा बहुत भी अगर कैनरीज uh, को यू uh, नो you know, गैस में या कुछ uh, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है हवा में तो वो पासअबे कर जा कर जाता है और वो बच नहीं पाता उसका जान नॉनसेंस, सेट जिम जिम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है द अलार्म वुड हैव गॉन ऑफ वी हैव गॉट डुप्लीकेट सर्किट्स ऑपरेटिंग इनडिपेंडेंटली तो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो अलार्म जो है बिल्कुल नो बंद हो जाता और बज, बजना शुरू हो जाता शुरू हो जाता और हम लोगों के पास जो है डुप्लीकेट सर्किट भी है जो कि काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर रहा है इर द सेकेंड अलार्म सर्किट इज़ नॉट कनेक्टेड अपेट फिर बाद में वो बोलता है कि नहीं नहीं हो सकता है मुझे लगता है कि सेकेंड अलार्म सर्किट जो है उसमें अभी तक कनेक्ट नहीं है हिज असिस्टेंट रिमाइंडेड हिम उसका असिस्टेंट जो है इस बात को बोलता है जिम को डैट शुक जिम और इस बात को सुनने के बाद जिम जो है बिल्कुल हिल सा जाता है लेफ्ट विदर्ड उसने कुछ भी बोला नहीं और वहाँ से आई I मीन mean, मुड़ा वाइल वाइल वी स्टूड आर गोइंग एंड पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड लाइक अ पाइप ऑफ पीस सॉरी और उसके बाद वो सारे लोग जो है बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड अब चूंकि क्लैरिवेल पास अवे हो चुकी है मर चुकी है तो हवा में गैस में जो आई I मीन mean, कुछ मिक्सचर है उसके कारण इन लोगों को भी प्रॉब्लम होने वाली है तो सारे लोग जो है एक दूसरे से बहस करते हुए जो है कर ही रहते कि उनको जब इस बात का आभास हुआ एक दूसरे को ऑक्सीजन बॉटल जो है पास करने लगे एक एक पाइप का जो है पीस पास करने लगे ही केम बैक टेन मिनट्स लेटर विथ शिपिश एक्सप्रेशन It, uh, दस मिनट के बाद वो वापस आता है एक uh, सिपिश एक्सप्रेशन के साथ में इट वाज वन ऑफ दोज एक्सीडेंट्स दैट कुड नॉट पॉसिबली हैपन और बोलता है ये उन घटनाओं में से था जो uh, नहीं uh, हो सकता था होना संभव नहीं था वी वुड हैव वी वुड हैव वन ऑफ आ रेयर एक्लिप्सिस बाई अर्थस शेडो दैट नाइट क्योंकि uh, वहाँ पे जो है एक अर्थ के नज़दीक में जो काफ़ी रेयर है उसका शेडो उस रात उनके स्पेस क्राफ्ट पे पड़ा था और इसके कारण जो है गैसेस गैसे का एक्सचेंज हुआ और उसमें कुछ पॉइजनस गैस मिक्स हो गए और प्रॉब्लम होना शुरू हो गया पार्ट ऑफ द एयर प्योरीफायर हैड फ्रोजन जो एयर प्योरीफायर उस स्पेस क्राफ्ट में लगा हुआ था वो जम चुका है एंड द सिंगल अलार्म इन द सर्किट हैड फेल्ड टू गो ऑफ और जो अलार्म बजना चाहिए था वो बंद हो चुका है बिकॉज़ अलार्म अगर बजता तो ये लोग पहले से अलर्ट हो जाते बट दैट इज़ गॉट ऑफ वो बंद हो चुका है हाफ़ अ मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है लेटेस्ट डाउन कम्प्लीटली और उसके बाद नायरेक्टर बोलते हैं कि इतने सारे पैसे लगा करके मतलब हाफ अ मिलियन डॉलर्स लगाने के बाद भी इतने सारे केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लगाने के बाद भी जो है हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए संभाल नहीं पाए विदाउट क्लैरिवेल वी शुड हैव बिन स्लाइटली डाइड और अगर क्लैरिवेल अगर नहीं होती तो हम सारे लोग भी उसी के जैसे मर जाते सो नाउ इफ़ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन डोंट बी सरप्राइज इफ यू हियर एन इनएक्सप्लिकेबल स्नैच ऑफ बर्ड सॉन्ग नाउ नेट सेज कि अब अगर आप कभी स्पेस स्टेशन विजिट करने जाते हो तो आपको बिल्कुल भी आप मतलब आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए क्योंकि आप वहाँ पे एक ऐसी आवाज़ जो है स्नैच ऑफ वर्ड सॉन्ग सुनोगे जो कि उस क्लैरिबेल की आवाज़ हो सकती है या उसी की आवाज़ होगी बिकॉज सी हैज़ आई मीन पास्ट अवे इन दस्ट्रेशन वाई सेविंग उतने सारे लोगों का जान बचाते हुए वो अपने लाइफ को उसने त्याग दिया दे नो नीड टू बी अलार्म और अब जो है किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है अब अगर उस तरीके की कोई घटना होती है तो वहाँ पे एक स्नैचिंग ऑफ वर्ड सॉन्ग आपको सुनाई पड़ेगा ऑन द कॉन्ट्रेरी इनफैक्ट इट विल मीन दैट यू आर बींग डबली डबली सेफ गार्ड्स सेफ गार प्रैक्टिकली एंड नो ए नॉट एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस और इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास मशीन वाला अलार्म तो है ही और उसके अलावा जो है आपका क्लैरीबेल का एक जो इनएक्सप्लेक्केबल स्नैच ऑफ बर्ड सॉन्ग है वो भी आपको uh, बचाने के लिए वहाँ पर है तो आप डबली सिफ गार्ड है आपके पास और इस इनएक्सप्लेक्केबल स्नैच ऑफ बर्ड सॉन्ग में कोई खर्चा नहीं है अगर सही मायने में देखा जाए तो सो दिस इज़ हाउ द स्टोरीज एंड्स नाव वेट फॉर अ सेकेंड नाओ ही यू कैन सी It is about Sir Author uh, Charles Clarke. It is written about him. So, who was he? And uh, you can see uh, Sir Author Charles Clarke uh, was born in 1978. Uh, sorry, 1917, and he died in 2008. Was a British scientist, a scientist uh, science fiction writer. Who science ke Science writer and uh, futurist, inventor. अंडर सी एक्सप्लोर वो फ्यूचर के बारे में इन्वेंशन के बारे में अंडर सी क्या क्या एक्सप्लोर एक्सप्लोर uh, किया गया चीज़ें उसके बारे में एंड uh, उन्होंने कुछ टेलीविजन सीरीज को भी होस्ट किया था इन 1961 सिक्सटी वन ही वॉज अवॉर्डेड द कलिंगा प्राइज़ एंड अवॉर्ड विच इज़ गिवन बाईस् यूनेस्को ऑफ पॉपुलराइजिंग साइंस और उनको 1961 में जो है एक कलिंगा अवार्ड दिया गया था जो कि यूनिस्के यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप साइंस को पॉपुलराइज कर रहे हो फेमस कर रहे हो वर्ल्ड में इन नाइनटीन ऐटीज़ क्लार्क अ वेल नोन टू मेनी ऑफ इज टेलीविज़न प्रोग्राम प्रोग्राम्स सी क्लार्क्स मिस्टीरियस वर्ल्ड और नाइनटीन ऐटीज़ आते आते क्लार्क काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हो चुके थे टेलीविज़न प्रोग्राम्स के ऊपर उनका एक प्रोग्राम आता था सी क्लॉर्क करके मिस्टीरियस वर्ल्ड So Author C. Clarks uh, World of a Strange Powers and Author C Clarks of Hysterious Universe. However, you can uh, search uh, on YouTube also about this uh, web um, television series. So, dear student, now uh, we have finished it and uh, in the next part of the video you will uh, see uh, summary and the question answer of the same chapter chapter. So stay tuned with the channel. Do like and subscribe the channel. And wait for the next part of the video, in which you will see a summary of this chapter, and uh, you will get the question answer of the mean um, questions also. So we will meet in the next part of the video. Have a nice day to everyone. Thank you.